हेलो एवरीबॉडी खुश आमदीद एक बार फिर मेरे चैनल में मैं हूं आबिद तो आज हम स्टूडेंट्स और एसपेरेंट्स डिस्कशन करने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जो ये पूरे सिलेबस में किसी भी तरह के आप प्रेपरेशन कर रहे हैं जैसे आप जे के जे के एस एस बी क्लास फोर्थ के लिए उस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है चाहे आपने जे के बैंक एसोसिएट के लिए अप्लाई किया है चाहे आपने जे के बैंक पीओ के लिए अप्लाई किया है चाहे आपने नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम एग्ज़ाम uh, की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको कोडिंग और डिकोडिंग, जो रीजनिंग से टॉपिक है ये है तो आई होप स्टूडेंट्स एंड एस्परेंट्स जब आप ये वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली यू विल बी होल्ड एंड कमांड ऑन दिस टॉपिक सो कोडिंग इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स दिस इज़ ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स आर सिग्नल्स विदाउट इट बींग नोन बाई द थर्ड पर्सन सिंपली स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा जैसे यहाँ पे ए होगा मैंने किसी को लेटर भेजा मैंने किसी को मैसेज भेजा आई एम जस्ट लाइक एज ए सेंडर मैं क्या हूँ मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ मैं सेंडर हूँ तो मैंने उसको ए भेजा इसका कोड जो है वो वन है क्या है स्टूडेंट्स क्योंकि रीजनिंग में आपको इसी तरह कोड में पढ़ना है तो इसका कोड uh, जो है वो है इसका कोड जो है वो है वन है और बी का कोड जो है वो टू है जब मैं उसको एज ए सेंडर एज ए मैसेंजर मैं उसको कोई मैसेज करता हूं तो वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि उसने वन अगर मैंने ए भेजा तो वो वन के बारे में बात कर रहा है और स्टूडेंट्स यहां पर आप देख लीजिए द पर्सन ट्रांसमिट्स द कोड आर ए सिग्नल इज कॉल्ड सेंडर जैसे मैं किसी को कोई आ, लेटर भेजता हूँ उसमें कोड में मैं उसको लिखूँगा टू वो समझ पाएगा ये बी है मैं उसको लिखूँगा थ्री वो समझ पाएगा ये सी है जस्ट एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड एक्सपेरेंट्स बता रहा हूँ तो वो लेटर भेजेगा किस तरह के वो भेजता है और किस तरह के वो कोड और डी इनको करता है तो वो एज ए सेंटर पे डिपेंड करता है द पर्सन हु ट्रांसमिट द कोड आर ए सिग्नल्स इज कॉल देंटर एंड द पर्सन हु रिसीव्स इट इज कॉल द उसको हम रिसीवर कहते हैं जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है उसको हम रिसीवर कहते हैं ट्रांसमिट्स कोड्स आर सिग्नल्स आर डिकोड ऑन द अदर साइड बाय द रिसीवर दिस इज नोन एज द डिकोडिंग मान लो स्टूडेंट्स मैंने उसको भेजा था ए वो अंडरस्टैंड जो रिसीवर है उसको लगा पता वो उसको इस चीज़ का पता लगा उसने इसको डिकोड किया कि ये वन की बात कर रहा है मैंने उसको बी भेजा एज ए लेटर मैंने बी भेजा उसको समझ आए वो टू आ, टू की बात कर रहा है मैंने उसको जी भेजा जी भेजा स्टूडेंट यानी कि जेड भेजा तो उसको स्टूडेंट्स क्या उसने उसको डिकोड किया ये ट्वेंटी सिक्स की बात कर रहा है अब देख लीजिए इन ए क्वेश्चन ऑन डिकोडिंग एंड कोडिंग वर्ड्स बेसिक वर्ड इज कोड इन ए पार्टिकुलर वे एंड द कैंडिडेट्स और ऑफकिट टू अदर वर्ड इन द सेम वे द कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट आर सेट अप टू जज द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डिस्पेयर डिस्पेयर वट डज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द डिस्पेयर स्टूडेंट्स एंड एस्परेंट्स इसका मतलब क्या होता है डिस्पेयर्स का मतलब क्या होता है कन्वर्ट समथिंग फ्राम कोड इन टू दी नॉर्मल लैंग्वेज सिंपल मैंने उसको स्टूडेंट्स क्या भेजा था ए का कोड वन वन था बी का कोड उसका जो टू था अब उसने इसको डिस्पेयर किया यानी कि ये जो कोडिंग की लैंग्वेज है कन्वर्ट समथिंग इस चीज़ को उसने इस कोडिंग को उसने क्या है कन्वर्ट समथिंग फ्रॉम कोड सॉरी फ्रॉम कोड इनटू द नॉर्मल लैंग्वेज में अब उसने डायरेक्टली मैंने ए भेजा था तो ये कोडिंग में था वन अब उसने इसका मीनिंग जो निकाला ए निकाला मैंने उसको बी भेजा उसका जो कोड था टू था लेकिन इसने उस टू को बी में मतलब उसका मतलब जो मीनिंग है वो निकाला उसी को हम डिस्पेयर कहते हैं डिस्पेयर इज द रूल दैट हैज़ बीन फॉलोड टू कोड ए पर्टिकुलर वर्ड मैसेज एंड ब्रेक द कोड इन टू द डिस्पेयर यानी कि उसको सिंपल लैंग्वेज में वो उसका मीनिंग निकालता है दैट इज़ कॉल्ड द कोडिंग एंड डिकोडिंग सिंपल स्टूडेंट्स एंड एक्सपेरेंट्स यहाँ पर देख लीजिए ये वाला टेबल जो मैंने आपके सामने बनाया है इसमें मैंने सॉरी ए का कोड जो है वो वन है बी का कोड टू है सी का कोड थ्री है डी का कोड फोर है ई e का कोड फाइव है एफ का कोड सिक्स है और उसके बाद जी का कोड जो है सेवन है एच का एट है उसी तरह आई का नाइन है उसी तरह रेस्पेक्टिवली आप यहाँ पे देख लेंजिए जैसे सेवन एस um, का नाइनटीन है टी का ट्वेंटी है यू का ट्वेंटी है यू ये आपको स्टूडेंट्स एंड एक्सपेरेंट्स चाहे आप किसी भी तरह की प्रपरेशन कर रहे हैं आपको ये टेबल जो है असेंडिंग ऑर्डर में भी आपको स्टूडेंट्स यानी कि छोटे से बड़ा यानी कि छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर होता है यहां से लेकर यहां से लेकर ऐसे ऐसे होके यहां ट्वेंटी सिक्स तक आपको ये पूरे कोड याद होने चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बड़े से होकर मान लो ये ऐसे ऐसे हैं कि आपका ट्वेंटी सिक्स जी की जगह है वाई का आपका कोड जो है ट्वेंटी फाइव है तो इस तरह से भी याद करने हैं आपको और उस तरह से भी आपको स्टूडेंट्स एंड एस्परेंट्स ये चार्ट जो है ये याद करना है ऐसे और फिर रिवर्स होके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये याद करना है उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए एक और फार्मूला है जिसको हम इजोती फार्मूला कहते हैं ई जे ओ टी वाई क्योंकि जब एग्जाम होता है ना इन ए वन सेकेंड और टू सेकेंड और सिंपली आपको एक मिनट होता है एक क्वेश्चन को करने के लिए आता तो सबको है लेकिन स्मार्ट वर्क कौन करता है कौन अकॉर्डिंग टू दी वो जो टाइमिंग है उसके मुताबिक चलता है तो हु विल क्वालिफाई एनी टाइप ऑफ द एग्ज़ाम अब यहाँ पे आप देख लीजिए ई e का है फाइव यानी कि इससे पहले जो वर्ड हैं वो आपका कौन कौन से है ए बी सी एंड डी यानी कि वन टू थ्री एंड फोर है उसके बाद आपको फाइव की जगह ये है सॉरी सिटीजन फाइव की जगह आपका ई e है और ये आपका जे की जगह क्या है टेन है अब आप देख लीजिए ई e के बाद में कौन कौन से वर्ड आते हैं ई e के में एफ जी एच एंड आई आएगा इसका मतलब ये है केस, सेवन, एट और ये आपका नाइन है टेन की जगह जे, जे आएगा उसके बाद यहां पे फिफ्टीन है ट्वेंटी है और ट्वेंटी फाइव है उसके बाद दूसरा फार्मूला स्टूडेंट्स यहां पे देख लीजिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं आ, सी आ, फेलोरेक्स कहते हैं Uh, ये जो है ना ये कोड जो है या ये जो फंडा या ये जो रूल है ये एज ए क्या है स्टूडेंट्स एंड एस्परेंट्स ये जैसे मेडिसन का नाम है तो इसको भी आपने थ्री के टेबल के मुताबिक याद करना है जैसे इन्होंने क्या कहा जैसे आपका यहाँ पर क्या है सिल फोर सिल फ्लोरेक्स यानी कि थ्री का टेबल है थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स नाइन ट्वेल्व थर्टीन अब मान लो सी जो है द प्लेस ऑफ द सी इज़ थ्री अब पीछे से इसका वन और टू हो गया ए और बी की है उसके बाद आप देखोगे सिक्स की जगह आपका क्या है स्टूडेंट्स एफ है तो इसके बीच में सी सी और यहाँ पे क्या आएगा आपका सो तो ये है सिलफोरेक्स सी जो है आपका इसके बीच में कौन कौन सा आएंगे सी डी ई आएगा और एफ जो है ये सिक्स की प्लेस है यानी कि ये फोर और फाइव की प्लेस है स्टूडेंट्स एंड एक्सपीडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से याद करना है अब देख लीजिए एक और फार्मूला है अगर हम यहाँ के यहाँ पे का, का, क्या कहा गया क्या कहा गया है क्या कहा गया है बैकवर्ड ऑर्डर अगर आप ये ऑर्डर है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका बैकवर्ड ऑर्डर है जो आपका बैकवर्ड आर्डर है ऑफ ए लेटर वहाँ पे हम टोटल जो है वो ट्वेंटी सेवन लेते हैं मान लो आपने बैकवर्ड हो गया पीछे को ठीक है पीछे को अगर यहाँ पे आपका ट्वेंटी सिक्स है तो ट्वेंटी सेवन आपका जब आप रिटर्न में आएंगे तो ट्वेंटी सिक्स के बाद आपका ए जो है ये आपका ट्वेंटी सेवन आ जाएगा उसके बाद फारवर्ड ऑर्डर ऑफ द लेटर और माइनस आपने करना है मान लो हम क्या यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है यहाँ से इधर को अगर हम बी की प्लेस मानेंगे वो ट्वेंटी सेवन है और हमने इसमें से माइनस करना है बैकवर्ड को हमने फारवर्ड ऑर्डर ऑफ़ द लेटर माइनस करना है तो एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लो बैकवर्ड ऑर्डर पोजिशन ऑफ बी इज़ ट्वेंटी सेवन माइनस हमने क्या करना है फॉरवर्ड आर्डर पोजिशन ऑफ द बी दैट इज़ ट्वेंटी सेवन माइनस आपने क्या किया स्टूडेंट्स एंड एक्सपेरियंस क्या किया आपने टू किया तो आपका जो है आंसर वो ट्वेंटी फाइव आ गया मान लो कि आपने जी आपका ट्वेंटी सिक्स पे जब आप इसको इधर से इधर को लिखेंगे सॉरी सर सॉरी स्टूडेंट्स आप देख लीजिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे सबसे पहले आपका नंबर जो है आएगा ट्वेंटी सिक्स वह आएगा ए की प्लेस पे जब आप फारवर्ड को तरफ फारवर्ड की तरफ जाएंगे तो 25 पे आपका स्टूडेंट्स क्या है वो बी है तो यही इस फार्मूले का यहाँ पे मीनिंग है अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए आपके सामने है आ, ये कोड में दिया गया है आपका कप जो है सी और सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिए आपका कप जो है ये आपका सी है यू है और पी है सी जो है प्लेस ऑफ द सी इज़ थ्री एंड यू जो है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए ये आपका ट्वेंटी वन की प्लेस पे है और पी जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये आपका क्या है ये आपका सिक्सटीन की जगह पे है आप देख लीजिए इसको हम जब ऐड करेंगे ये आपका सिकस सॉरी सिक्स उसके बाद आएगा आपका सेवन एट नाइन टेन टेन यहाँ पर आ गया उसके बाद कैरी वन रहा तो वन टू टू थ्री एंड फोर यानी कि फोर्टी कप की जो वैल्यू है कप इज इक्वल टू फोर्टी एंड वाट इज दाइट क्या होगा अब उसको भी हम इसी तरह से कोड इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे फिर एड करेंगे योर आंसर विल बी कम अब देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स और एक्सपेरेंट यहाँ पर आप देख लीजिए के जो है के आपका फाइव प्लेस पे है उसके बाद के के बाद आपका जो है आई है ये आपका एटीन की प्लेस पे है आई के बाद आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे टी है टी आपका किस प्लेस पे है ये ट्वेंटी फोर पे है और स्टूडेंट्स और एसपरेंट्स आपका ई जो है ये फाइव पे है ये आपका किस प्लेस पे है सॉरी ये आपका ई जो है ये ई जो है ये आपका किस जगह पे है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये आप देख लीजिए ये आपका किस जगह पे है ये फाइव पे है अब आप इसको ऐड कीजिए ये हो गया आपका फ़ोर फोर फाइव होता है नाइन नाइन्थ एट कितना होगा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स नाइन और एट आपका कितना होगा ये होगा सेवनटीन सेवनटीन के बाद आगे सॉरी थोड़ा एक बार फिर देख लेंगे ये हो गया आपका एट एट के बाद आपका सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम एक बार इसको फिर कोड करेंगे मान लो आपका के जो है के आपका व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ द के ये अलेवन पे है क्या है स्टूडेंट्स आपका ये अलेवन पे है और आई जो है आई आपका नाइन प्लेस पे है उसके बाद टी जो है स्टूडेंट्स आपका टी जो है ये ट्वेंटी की प्लेस पे है उसके बाद ई जो है ये आपका फाइव प्लेस पे है अब आप इसको ऐड कीजिए ये आपको होगा नाइन नाइन्थ वन कितना होता है टेन टेंथ फाइव कितना होगा आपका फिफ्टीन कैरी रहा वन और उसके बाद वन वन के बाद आएगा टू एंड थ्री और फोर फोटी फाइव ईयस योर आंसर यानी कि यहाँ पे जो आपका काइट है स्टूडेंट्स वो फोर्टी फाइव की प्लेस पे है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है इलास्टेट इफ बैग बैग की वैल्यू अगर आपको स्टूडेंट यहाँ पे सेवेंटी वन है देन वाइज की वैल्यू क्या है अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया है हम लिखते हैं ना ए बी हम असेंडिंग आर्डर में जब लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी इन्होंने इसको वैल्यू माना है ट्वेंटी सिक्स उसको माना है ट्वेंटी फाइव इसको माना है ट्वेंटी फ़ोर इसको माना है ट्वेंटी थ्री यानी कि यहाँ से इधर को इन्होंने लिखा है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर यानी कि यहाँ पे आएगा ए बी सी एंड डी तो उसको इन्होंने इस तरह से लिया है तो यहाँ पे आप देख लीजिए बी जो है बी दूसरे नंबर पे है यानी कि ट्वेंटी फाइव पर है ए जो है आपका पहले नंबर पे यानि ट्वेंटी सिक्स है जी जो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर है ये आपका फिफ्थ नंबर है यानी कि जब आप इधर से वन टू गिनेंगे ट्वेंटी सिक्स से आगे गिनेंगे क्योंकि तो, जो टोटल हमारे नंबर्स लेटर्स हैं इंग्लिश में वो हमारे ट्वेंटी सिक्स हैं जब आप उनको यहाँ से इधर की तरफ गिनेंगे तो ट्वेंटी सिक्स हमने पाया और ट्वेंटी इनको आप ऐड कीजिए अब सिंपली आप देख लीजिए यहाँ पे जो क्या आएगा यहाँ पे आप आ, 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 आता है टू 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 कितना होता है फोर फोर एक आएगा सेवन एक यहाँ पे आप देख लीजिए सिकस सिक्स फाइव कितना होता है अलेवन अलेवन कैरी रहा है वन तो यहाँ पे आएगा सिकस एक क्या आएगा यानी कि सेवनटी वन बैग इज इक्वल टू यानी कि बैग की जो वैल्यू है वो सेवनटी वन है अब वाइस की आप देख लीजिए वी आई सी ई जब आप यहां से गिनेंगे वन टू जेड से जेड है फर्स्ट प्लेस पे उसके बाद वाई है आपका टू प्लेस पे एक्स आपका है थ्री प्लेस पे जब आप यहाँ से इधर को गिनेंगे आप देख लीजिए वी आई सी ई तो यानी कि वी

और टू फोर एक फाइव तो, वन हो गया सिक्सटीन सिक्सटी नाइन आप देख लीजिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका है सिक्सटी नाइन इसका आंसर आया है आएगा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको इमिजिएटली विद इन ए टू सेकेंड आपको पोर्शन मापनी होगी कि ए का अपोजिट क्या आएगा तो ए का अपोजिट जी जी आएगा जेड आएगा बी का अपोजिट आपको वाई आएगा सी का अपोजिट आपको क्या आएगा एक्स आएगा तो उसके लिए ये फंडा और ट्रिक और टिप्स यहाँ पर मैंने आपके सामने ट्रिक्स टू रिमेंबर अपोजिट लेटर्स किस तरह से आप अपोजिट लेटर याद करेंगे जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स जैसे ए का अपोजिट जेड है तो इसको हम आज़ाद एज ए आज़ाद ए जेड ए डी यानी कि ए जेड ए डी इसका मतलब है ए का अपोजिट क्या है जेड है बी ओ वाई एस बॉयज़ जो मैंने ये इसका ए कलर है इसका दूसरा कलर है बी का अपोजिट वाई आएगा सी का एक्स आएगा डी का डब्ल्यू आएगा ई e का ई e का वी आएगा एफ़ का यू आएगा तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने चार्ट जो है एज ए ट्रिक आपको यहाँ पे बता दिया है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए मेन नोट यहाँ पे आगे देख लीजिए अब दूसरा नोट्स जो है सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स यहाँ पे आप देख लीजिए टिप्स आप यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स जब भी आपको एल और एल आएगा उसको आपने माइनस करना है एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होगा माइनस करना है नोट फादइंग मीन्स आएगा जब आपको आर आर आएगा यानी कि राइट राइट आता है उसको भी आपने माइनस करना है और जब स्टूडेंट्स आपका आर एल और आर आएगा उसको आपने एड करना है और उसके बाद आर और एल आएगा इसको भी आपने स्टूडेंट्स और सो क्या करना है ऐड करना है यहाँ पे आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगी जब आप राइट की राइट से लेंगे तो 26 प्लस करना है वन राइट आपका ये साइड होती है ये वाली हो गई राइट साइड ये लेफ़्ट साइड जब राइट से लेंगे तो 26 प्लस आपने वन करना है और जब आप लेफ़्ट की बात करेंगे यहाँ से बात करेंगे तो आपने ट्वेंटी सीवन ट्वेंटी सेवन माइनस आपने नंबर जो अगला है वो करना है क्वेश्चन से यहाँ पे मेन पॉइंट्स जब आर आर होगा तो माइनस करना है ट्वेंटी सेवन माइनस जो भी नंबर होगा जब आपका यानी कि लेफ़्ट लेफ़्ट होगा लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो आपने माइनस करना है लेकिन ट्वेंटी सिक्स माइनस करना है अब यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने बता दिया एल आर होगा तो आप प्लस करेंगे आर आर होगा तो आप उसको प्लस करेंगे नाउ लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन आपको यहाँ पे है स्टूडेंट्स हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ये आपके सामने अरेंजमेंट है ये नंबर्स कुछ दिए हैं जिसमें आपको कुछ साइंस दिए गए हैं कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं लेटर्स दिए गए हैं नंबर्स दिए गए हैं इनमें से आपने क्या देखना है विच इमिजिएटली फॉलोड बाई ए नंबर वो वाले लेटर्स लेटर्स क्या होता है ए बी सी डी इनको हम लेटर्स कहेंगे इनके सामने ही जो है आपका नंबर भी होगा वो कितने होंगे अब आप सूट प्रैक्टिस आप कीजिए यहाँ पे आपका एन है तो एन के बाद में आपका नंबर है नाइन यानी कि ये एक हो गया उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ये आपका परसेंटेज है इसको नहीं देखना है फिर आपका यहाँ पर टेन के है तो ये आपका दूसरा नंबर होगा सॉरी ये वाला नहीं करना है पहले आपका क्या होना चाहिए लेटर होना चाहिए यहाँ पे पहले ये था ये भी नहीं है ये भी नहीं है टू के बाद जेड है वाई जी बी अब हम यहाँ पे बात अगर हम करेंगे पी बी के बाद में हमारा लेटर जो है वो हमारा एट है क्या है स्टूडेंट्स एट है ये आपकी दूसरी प्लेस हो गई अब यहाँ पे वी के बाद में भी कुछ नहीं है आपका लेटर पहले होना चाहिए और एस के बाद थ्री है तो योर आंसर इज थ्री होप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा दूसरा पार्ट आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लीजिए हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट इच इज इमीजिएटली प्रोसीड उनसे पहले क्या होता है प्रोसीड मैंने क्या होता है पहले बाए नंबर यानी कि वो वाले सिंबल, सिंबल जैसे यहाँ पे है परसेंटेज का है, हैश का है पौंड का है इनको हम स्टूडेंट सिंबल कहेंगे सॉरी इनको हम क्या कहेंगे सिंबल कहेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए द अरेंजमेंट ईच ऑफी चमीजिएटली प्रसीडेड बाई ए नंबर तो वो भी थ्री आता है तो कैसे आएगा अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमने देखना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं कौन से ऐसे सिंबल हैं जिनके पीछे जो है वो नंबर है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये आपका परसेंटेज है ये सिंबल है तो इससे पहले आपका क्या है स्टूडेंट्स क्या है आपका क्या है नाइन है ये वाला पोर्शन आप देखिए ये तो परसेंटेज जो है ना ये आपका सिंबल है तो इससे पहले नाइन है हो गया आपको प्रोसीड आपका नंबर होना चाहिए उससे पहले नंबर होना चाहिए यहाँ पे आप देख लीजिए अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसके बाद अगर हम टेन की बात करेंगे कुछ नहीं है और यहाँ पे टू है है ना स्टूडेंट्स टू सॉरी हमने पहले क्या देखना है सिंबल देखना है और सिंबल से पहले होना चाहिए ये वाला भी नहीं है उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी है अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है से पहले यानी कि ये जमा जो है एड जो है एड से पहले आपका फोर है ये दूसरा आएगा एक और हमको बचता है कि आपको सिंबल से पहले नंबर आना चाहिए अब यहां पे देख लीजिए यहां पे भी नहीं है अब यहां पे अगर हम देखें हां यहां पे हमने सिंबल से पहले हमने क्या देखना है नंबर देखना है और ये इक्वल यहां पे है को कितने आ गए स्टूडेंट्स यहां पे आप देख लीजिए पहला तो ये आ गया परसेंटेज से पहले नाइन है उसके बाद दूसरा जो है आपको यहां पे है यहाँ पे आप देख लीजिए यानी कि आपका जो है पहले अब इक्वल है ना यहाँ पे इससे पहले नंबर आ गया फाइव नंबर है और उसके बाद यहाँ पे ऐड से पहले आपका फाइव आ गया तो आपका थ्री जो है वो आंसर है अब देख लीजिए यहाँ पे नौ नौ हाउ मेनी सिंबल्स अब सिंबल्स और डियर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर इमिजिएट प्रोसीड तो ये ये वाला था इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स ये वाला है थ्री है उसके बाद आप लेटर्स कोडिंग आप यहाँ पे देख लीजिए और यहां पे आप लेटर कोडिंग देख लीजिए स्टूडेंट्स एंड एस्परेंट जैसे आपको कहा जाता यहां पे, इन है पे कि जो है तो को आप कैसे लिखेंगे अब देख लीजिए पे अगर हमारा picture था P -I -C -U -R picture, अब सबसे पहले P के बाद Q तो इन्होंने स्टूडेंट्स यहां पे क्या है क्यू को लिखा है क्यू से पहले उसके बाद आई जो है जी एच आ, एच एच के बाद आपका आई आए आएगा तो इन्होंने यहाँ पे एच लिया है अगर आप इसी को देख के ये वाला क्वेश्चन करेंगे आपके सामने है बी और ओ डब्लो एस ई आर तो आ बी जो है बी से पहले आपका बी के बाद में या, यानी कि यहाँ पे पी पी के बाद इन्होंने क्यू लिखा तो बी के बाद आपको स्टूडेंट यहाँ पे सी आएगा आई आए जो है आई से पहले एच आता है तो आर से पहले क्या आएगा आप देख लीजिए आर से पहले आपका क्या आ जाता है स्टूडेंट्स और एस्परेंट्स वो क्यू आता है क्यू और आर अब तीसरे पर हम फिर पहुंचे आपका ओ है तो ओ के बाद में यहाँ पे आप देख लीजिए सी है सी के बाद में डी आता है तो ओ के बाद में एम एन ओ ओ के बाद में आपको उस स्टूडेंट्स क्या आएगा पी आएगा तो आपने यहाँ पे पी लिख दिया उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे आपका डब्लू था अब टी के टी से पहले क्या आएगा आर S, S के बाद में आपका टी आता है तो डब्लू से W से पहले आपका V आता है तो यहां पे आप देख लीजिए C C Q P P V V पे आपको आएगा C, उसके बाद है Q, P, v, answer, B, जो है दैट्स योर आंसर जो स्टूडेंट्स आपका क्या है आंसर है अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लैंक बनाया है अब यहां पे आप देख लीजिए यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द फिफ्थ 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 टू द टू द लेफ्ट ऑफ द ट्वेंटी लेफ्ट एंड इन द अल्फाबेटिकली सीरीज अब यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो बनता है या आपका लेफ्ट लेफ्ट बनता है तो मैंने आपको बता दिया है इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसको हम माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आप देख लीजिए आपका लेफ्ट में क्या था लेफ्ट में आपका जो है आप देख लीजिए लेफ्ट अब जब आप गिनेंगे तो यहाँ पे आपका लेफ्ट की पहले ए से लेकर हम स्टूडेंट करेंगे वन टू तो, थ्री फोर फाइव फाइव की जगह आपका ई है तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट लेफ़्ट देखेंगे फिर अगर आप यहाँ से आप आगे की तरफ तो टोटल आपके पास स्टूडेंट्स जब भी आपको आएगा ये कहता है ट्वेंटी तो ट्वेंटी यहाँ पे था माइनस आप क्या करेंगे फाइव करेंगे तो योर आंसर विल बिकम फिफ्टीन अब आपने एल एल था तो यहाँ से आप गिनेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन तो ये आपका फिफ्टीन है यानी कि ओ जो है स्टूडेंट्स आपका आंसर है उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अब स्टार्ट करना है काउंट लेफ्ट से ही आपने गिनना भी है दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लीजिए यहाँ पे आप क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द फिफ्थ टू द राइट अब यहाँ पे राइट और राइट की बात कर रहा है तो आपने फिर माइनस करना है आपके पास फिर फिफ्टी आएगा लेकिन गिनना है स्टूडेंट्स आप आप पीछे की तरफ गिनेंगे ये आपका टेबल यहाँ पे है मैंने बताया है तो आप क्या करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन या अलेवन ट्वेल्व तो यहाँ से होके भी आपका जो है ओ आपका आंसर आ गया उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा इसका आंसर भी क्या है वो है अब आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द फिफ्थ टू द राइट आप ये कर रहे हैं राइट right और लेफ्ट की बात इसको स्टूडेंट्स आपने क्या करना है ऐड करना है लेकिन एल अगर एंड में है तो एल से ही गिनना है अगर आर है तो आर से ही गिनना है यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल कितना है ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी ट्वेंटी uh, और ट्वेंटी ट्वेंटी uh, और फाइव यहाँ पे है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए ये कहता है ट्वेंटी फिफ्थ और प्लस आप यहाँ पे क्या करेंगे सॉरी यहाँ पे ट्वेंटी है और फिफ्थ है तो इसको आप ऐड करेंगे आपका ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आएगा लेकिन ये आर एल था आर एल था तो आप इसको Uh, क्या कहाँ से करेंगे लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे अब आपने देखना है ट्वेंटी सिक्स की जगह क्या आता है जब आप यहाँ से गिनेंगे तो वो आपका वाई आता है क्या आता है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए जब आप यहाँ से इधर की तरफ तो आपका जब ए बी ए बी सी डी ई एफ तो ट्वेंटी सिक्स पे आपका जी आता है तो वाई आपका ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी फाइव पे वाई आएगा तो वाई इज योर आंसर अब देख लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन है ये था आर ओल एल तो उसी तरह से आप स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सिंबल्स में दिया है नंबर्स और सिंबल्स में आप देख लीजिए इफ वर्क इज कोडेड एज ए अगर आपका वर्क जो है डब्ल्यू ओ आर के वर्क अब इन्होंने देख लीजिए यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए इन्होंने यहां से इधर की तरफ गिना है यानी कि Z जो है ये आपका यानी कि Z जो है इन्होंने माना है वन की जगह Y को टू माना है X को इन्होंने थ्री माना है और डब्लो को इन्होंने फोर माना है यानी कि डिसेंडिंग से यहाँ से यानी कि जेड को इन्होंने जेड से इन्होंने गिना है तो यहाँ पे इसको इन्होंने माना है फोर प्लेस इसको इन्होंने माना है ट्वेल्व प्लेस इसको इन्होंने क्या माना है यानी कि सिंपली आप देख लीजिए यहाँ पे आपको W को फोर वैल्यू है और ओ की आपकी ट्वेल्व वैल्यू है और आर की आपकी क्या है नाइन है और के की आपकी क्या है सिक्सटीन है स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिए डब्ल्यू जो है डब्ल्यू को इन्होंने फोर माना है सबसे पहले हमने देखना है आंसर में देखना है फोर किस किस में है इन दो में है लेकिन हम आंसर नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पे आपने फोर लिखा उसके बाद ओ की वैल्यू इन्होंने ट्वेल्व मानी है अब हमने देखना है यहाँ पे क्योंकि ये दो तो नहीं आ सकते आंसर क्योंकि इन दोनों में फोर नहीं है अब इन दोनों में था लेकिन अब हमने देखना जब हम टू पे पहुँचे अब हमने ट्वेल्व देखना है कहाँ पे तो टैल्व इज़ योर फर्स्ट वन इज़ योर आंसर तो आपका जो है यहाँ पे यानी कि ये वाला आंसर है आपने देखा डब्ल्यू की वैल्यू फोर है आपने देखा फोर इसमें भी है इसमें भी है लेकिन ओ जो है वो इसको वैल्यू ट्वेल्व है तो यहाँ पर ट्वेल्व आपने फर्स्ट में देखा दैट्स योर आंसर अब आगे आप देख लीजिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया 16 है सिक्सटीन है पी ई ए सी ई पी से अब देख लीजिए पी को इन्होंने क्या माना है स्टूडेंट्स सिक्सटीन माना है ई e को फिफ्टी uh, वन माना है और उसके बाद थर्टी फाइव है बाकी इन्होंने नहीं दिया है अब देख लीजिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए इन्होंने पहले टेन माना है क्या माना है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए यहाँ पे टेन अब सबसे पहले आपने क्या मानना है कि ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आप देख लीजिए पी जो है पी आपका सिक्सटीन पे है अब यहाँ पे आपने आपने देखना है कि इसका ये ट्वेल्व जो है इसका क्या आंसर आएगा अब देख लीजिए यहाँ पे जो है ट्वेल्व पहले नहीं है पी आपने देखना है पी के बाद अगर हम यहाँ पे ट्वेल्व देखेंगे तो ये इसका आंसर जो है आपने देखना है एल जो है एल किस जगह पे है तो जब ए बी सी डी एल आपका ट्वेल्व जगह पे है तो आएगा एल एल इसमें भी है उसके बाद आपने देखना है ई जो है ई e को इन्होंने माना है सिक्सटीन की जगह अब यहां पे आप देख लीजिए यहां पे सिक्सटीन नहीं है यहां पे फिफ्टीन है तो ओ जो है स्टूडेंट्स ओ जो है आपका ये ये किसकी जगह है ये 15 की जगह है तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहां पे देख लीजिए आवर योर आंसर इज लाव अब यहां पे आप देखेंगे मेरे कहने का मतलब पी को इन्होंने फिफ्टीन पी जो है फिफ्टीन प्लेस पे है एफ जो है ये सॉरी uh, ई e जो है फाइव प्लेस पे है ए जो है वन प्लेस पे है सी जो आपका किस प्लेस पे है सी आपका थ्री प्लेस पे है और ई e आपका फाइव प्लेस पे है इस तरह से इन्होंने दिया है लेकिन जब आप इसको मापेंगे तो बारह की जगह ट्वेल्व की जगह आपका एल आता है फिफ्टीन की जगह आपका ओ आता है और वी जो है आपका स्टूडेंट्स वो आपका ट्वेंटी टू की जगह आता है तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो आपका दो आ गया उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन ए सर्टेन कोर्ट पी की जो वैल्यू है P बराबर है हैश P क्या है आपका हैश है और A को इन्होंने माना है परसेंटेज C को इन्होंने माना है एंड और E को इन्होंने माना है एट द रेट एट द रेट अब यहां पे आपने मानना है P जो है P क्या है P को इन्होंने लिखा है अब P क्या आएगा रिटर्न इन दैट अब देख लीजिए P जो है ना पी आपका परसेंटेज है सबसे पहले आप देखेंगे परसेंटेज सॉरी पी जो है ये हैश है पी की वैल्यू क्या है हैश है अब सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन में किस किस में आपका जो है हैश आएगा इसमें भी आता है और दूसरे में भी आता है यानी कि बी और डी में आपका हैश आता है उसके बाद ई है तो ई की वैल्यू इन्होंने ऐट द रेट दिया है तो ऐट द रेट इसमें भी आता है इसमें भी आता है अभी भी हमारा आंसर क्लियर नहीं है क्योंकि ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं अब थर्ड आप देखेंगे ए की जो वैल्यू है ए परसेंटेज है इसमें परसेंटेज नहीं है इसमें परसेंटेज है और ये आपका डी जो है दैट्स योर आंसर सिंपली आपने देखना है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स इन्होंने क्या बताया है पी की जो है पी को इन्होंने माना है वैल्यू हैश की ए को माना है परसेंटेज सी को माना है एंड और ई e को माना है ऐट द रेट अब यही आपको पी को देखना है ये किस में आएगा तो ये आपका डी में आता है यानी कि पी आपका हैश था पहले हैश है उसके बाद ई e जो है रेट है यहाँ पे एट द रेट आ गया उसके बाद ए जो है वो परसेंटेज है यहाँ पे आप देख लीजिए ए की वैल्यू परसेंटेज तो डी इज आंसर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा अब यहाँ पे आप देख लीजिए डेमोक्रेटिक को इन्होंने ने रिटर्न एज द इडमोक्रेटिक यानी कि पहले इसका डी ई था इसने उसने ई डी लिखा तो लेट बिगन फ्रॉम हियर्स तो यहां पे यहां से आप सुटिनेस और एक्सपेस शुरू कीजिए अगर आपका दूसरा आपका कंटिन्यूस आपको पहले ओ और सी आ जाएगा कंटिन्यूस के क्या आ जाएगा ओ और सी सबसे पहले आपने ओ और सी तीन में आता है इसमें भी आता है इसमें भी आता है इसमें भी आता है अब ये आंसर हमने देखना है किसमें आ जाएगा अब उसके बाद इसका एम था एम को इसने अपनी जगह एम ही रखा है अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए इसका क्या है यहाँ पे एम था तीसरा तो एम एम की जगह है तो यहाँ पे सी ओ एन एन जो है ये आपका इसमें भी आता है और ऊपर वाले में इन दोनों में नहीं आता है तो सी इज़ योर आंसर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा अब देख लीजिए इफ़ ए सर्टेन कोड जूम यहाँ पे है क्या है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए यहां पे आपका क्या है जूम इज रिटन एज पून आप देख लीजिए जूम को इन्होंने उल्टा पी आप छोड़िए ओ और ओ ओ, और ओ जो है वहीं पे है आप आपने क्यों रोड को आप कैसे लिखे रोड इज़ रिटन एज़ क्या ए बी ई अब आपने नॉम को बताना है नॉम क्या आ जाएगा अब देख लीजिए स्टूडेंट जो आपका पहला वर्ड होता है इन्होंने जी को जी को इन्होंने पी में चेंज कर लिया यानी कि ये पीछे जेड जेड के बाद ये पीछे आए हैं तो ये कम से कम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन हो के फिर इनने पी लिखा है अब यहाँ पर आप देख लीजिए एन एन के बाद में हम जब पहले पीछे आएंगे एन से बाद वो आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन से पहले आपका क्या आता है तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपने एन से पहले क्या आ जाएगा एन से एन के बाद में ये चार गए हैं तो यहाँ पे एन के बाद में आपका क्या आएगा एम आएगा तो इसका डी जो है ये आंसर है अब यहाँ पे देख लीजिए सॉरी यहाँ पे है ये ए बी सी डी और डी इसका आंसर है आप आराम से देख लीजिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो है इफ़ कैट कैट जो है अगर ट्वेल्थ है अब इन्होंने स्टूडेंट्स कैसे लिया है कैट की वैल्यू को इन्होंने ट्वेल्व माना है कैसे इन्होंने इस क्वेश्चन को किया है अब यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स पहले सी जो है थ्री की जगह है और ए जो है ये वन की जगह है और टी जो है ये आपका ट्वेंटी की जगह है और डिवाइड बाई इन्होंने टू से किया है इन्होंने क्या किया है डिवाइड टू है पहले आप इनको ऐड करेंगे ये बनेगा ट्वेंटी तो डिवाइड बाई आप टू करेंगे तो ट्वेल्थ इज यूवर आंसर अब यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा बहुत जो पहली मेरी वीडियो और लेक्चर है उसमें थोड़ा सा डाउट आपको रहा होगा और थोड़ा बहुत वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग से आंसर थोड़ा सा दूसरा आ चुका है अब यहाँ पे देख लीजिए ए जो है ये आपका थ्री की जगह पे है और सॉरी सी जो है थ्री की जगह है ए वन की जगह है और टी आपका जो है ये ट्वेंटी टू की जगह है इन्होंने पहले इनको ऐड ऐड किया है ऐड इनका आया है ट्वेंटी फोर फिर डिवाइड टू किया है तो इसका आंसर जो है वो ट्वेल्व आ गया है तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कैट को इन्होंने ट्वेल्व माना अब हमने देखना है मेन का क्या आ जाएगा एम ए एन मेन जब हम इसका स्टूडेंट्स क्या आएगा वन आएगा एन जो है एन आपका फोटीन प्लेस पे है और ये एम जो है फिफ्टीन प्लेस पे जब आप इनको ऐड करेंगे ये आपका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आप देख लीजिए आपका एम और एन है अब यहाँ पे आप देख लीजिए एम जो है सॉरी ये एम जो है ये आपका थर्टीन प्लेस पे है जब आप इनको ऐड करेंगे आपका आता है स्टूडेंट्स और एस्परेंट जब आप इसकी वैल्यू ये जो है थर्टीन प्लेस पे है ए आपका वन प्लेस पे है एन आपका किस जगह पे है पंद्रह ये किसकी जगह है चौदह पे है टोटल आपका ट्वेंटी एट आएगा डिवाइड बाई टू करेंगे तो दैट्स योर आंसर यानी कि चौदह दो कितना होता है फोटीन ए इज़ योर आंसर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और यहाँ पर आप देख लीजिए यहां पे एक और क्वेश्चन है a बराबर है वन a की वैल्यू जो है वो वन है a बराबर है वन और ए सी ई जो है वो नाइन है अब देख लीजिए a का अगर वैल्यू वन है और c का वैल्यू अगर थ्री है e का आपका फाइव है फाइव थ्री एट और टोटल आपको नाइन आ जाएगा अब आपने बताना है ए आर टी कहाँ पर है ए वन की जगह है और आर जो है जब भी आप क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे टेबल आपके बना बनाना होना चाहिए और आर जो है ये 18 की जगह पे है उसके बाद आपका टी जो है स्टूडूडेंस वो 20 की जगह है इसको आप ऐड कीजिए 20 या आएगा 28, uh, 38 एट और यहाँ पे 39 नाइन इज़ यूअर थर्टी नाइन इज़ योर आंसर स्टूडीडेंस थर्टी नाइन इज़ योअर जब आप इनको ऐड करेंगे तो 39 आएगा दैट्स इस आंसर उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए Uh, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक और है एफ एल ए ई आर ई फ्लैर फ्लैर इन्होंने माना है ट्वेंटी वन फिफ्टीन और ट्वेंटी सिकस नाइन और ही सीधा आपने एफ़ जो है ये ट्वेंटी टू पे है ट्वेंटी वन पे है उसके बाद एल जो है ये फिफ्टीन पे है ए जो है ये ट्वेंटी सिक्स पे है और ये उसके बाद आर जो है ये नाइन पे है अब आपने उसी तरह देखना है कि ब्रीफ किस जगह आएगा अब यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले आपने देखना है बी इसमें है कि नहीं है अगर बी नहीं है तो छोड़ दो आर है तो आर को इन्होंने क्या माना है स्टूडेंट्स आर को ये आपका लास्ट वन इज़ दैट इज़ आर को इन्होंने नाइन माना है उसके बाद ई e इसमें है तो ई e की वैल्यू जो है ई e लास्ट में है ये ट्वेंटी टू पे है उसके बाद आई इसमें नहीं है एफ़ है एफ़ को इन्होंने स्टूडेंट क्या माना है ट्वेंटी माना है एफ़ के बाद बी ऊपर नहीं है आई भी नहीं है तो आगे आप देख लीजिए जिस जिस लाइन में नाइन होगा ट्वेंटी टू होगा और ट्वेंटी वन होगा दैट्स योर आंसर इसमें आप देख लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए इसमें आपका क्या आता है लेकिन इस तरह आप देख लीजिए ये तीनों ये दो मिलते हैं नाइन और ट्वेंटी ये आपका नाइन और ट्वेंटी है ये मिलते हैं इसके बाद आपका जो है इसके बाद आप देख लीजिए एंड पे आपका जो है वो एफ़ था तो 21 आता है यहाँ पे भी आता है लेकिन एफ पे 21 नहीं है ये इसका आंसर नहीं आएगा ये इन दो का चांस नहीं है और डी इज़ योर आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए सुट एंड सोरेस्परेंट्स आपका डी जो है सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिए आपका डी जो है ये आपका आंसर है उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करनी है उम्मीद करता हूँ क्योंकि जो प, प, जो प्रीवियस वीडियो मेरा था सुट एंड सोरेस्परस मे बी जो है देयर सम डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी उम्मीद करता हूँ आपको ये आज अच्छी तरह समझ आया होगा और उतना लेंदी भी मैंने नहीं बनाया तो स्टूडेंट्स और एसपेरेंट्स ये टेबल आपको याद करने हैं उसके बाद डेफिनेटली एंड ऑनेस्टली कि आप ये इस पर आपको कमांड रीजनिंग की कोडिंग और डी पे आएगी इन द एंड आई होटली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर यूडियो ताकि मैं इस तरह की